रंगी है समा चांदनी। अब ये मत कहिएगा कि इस वीडियो के बारे में आप कुछ नहीं जानती। जानती भी हो बीबी, कितने लोगों ने ये वीडियो देखी होगी। अगर आप लोगों के पास कोई जवाब है तो मुझे दें, मतलब अगर कोई मुझसे पूछे इस बेहूदगी की वजह तो मैं उसको बता सकूं ना। बेटा ये वीडियो तो काफी पुरानी है, कब बनी कैसे बनी हमें कुछ नहीं मालूम। मेरी बच्ची तो नादान है, पता नहीं किसी फरानामी लड़की ने अपलोड किया इसे। लेकिन ऐसी वीडियो बनाने की जरूरत ही क्या थी, एक तो ऐसा बेढोल जिस्म और ऊपर से ये डांस, तौबा तौबा। अम्मा आपकी तो पूरे खानदान में थूथू हो ही गई। बस खुदा के वास्ते इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर ये वीडियो मेरे दोस्त देख लेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरे उनके दिल में। ये तो अम्मा को शौक चढ़े हुए है, वरना मेरा दिल फुल खट्टा हो गया। नहीं, नहीं बेटा खुदा के वास्ते ऐसा मत करना, मैंने तो पूरा खानदान को बता दिया मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। खुदा के वास्ते मुझ पे बाबा रहम करें। हम लोग रहम ही खा रहे हैं बीबी, तभी यहाँ पे बैठे हैं, वरना क्या। माँ तुम कौन हो और अंदर कैसे आई हो। इन दोनों के हैरान और परेशान चेहरे देख के आपको इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा कि मैं कौन हूं। मैं इस शख्स की बीवी हूं और वो भी दूसरी। क्या झूठ झूठ बोल रही है ये लड़की। झूठ, मैं झूठ बोल रही हूं। पहले तो मुझसे झूठ बोल के शादी की गई और शादी के 2 साल बाद ही मुझे पता चला कि पहली बीवी दुबई में मौजूद है, और अब जनाब यहां तीसरी शादी रचाने के लिए आए हैं। ये क्या कह रही है, आप लोग बताते क्यों नहीं, क्यों चुप हैं? ये क्या बताएंगे आपको, इन जैसे ना जाने कितने ही लोग हैं जो मासूम लड़कियों को पैसों का लालच देके शादी करके ले जाते हैं और बाद में अपने घर वालों की खिदमतें करवाते हैं। अपनी बेटी को ऐसे लोगों के हाथ देने से अच्छा है कि आप खुद ही उसका गला दबा दें। मेरा फर्ज था कि मैं आपको इन झूठे लोगों की असलियत से आगाह करवाऊं, आगे आपकी मर्जी है। पता नहीं कौन पागल लड़की थी, कैसे कैसे इल्जाम लगा के चली गई मेरे मासूम बच्चे पे। अगर वो इल्जाम लगा रही थी तो आप लोगों के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था उसे देखकर। कोई रंग नहीं उड़ा, मैं तो उसको जानता नहीं हूं। अम्मा तुम जानती हो उसको। बाहर निकलिए फौरन। अरे पागल हो गई है क्या लड़की, मेरे बेटे का रिश्ता ठुकरा रही है और अपने नसीब पे ताला लगा रही है। हम तो खुद ही है शादी। शादी का लफ्ज भी आप अपने मुंह से मत निकालिएगा। ये पकड़े अपनी अंगूठी और अभी इसी वक्त निकले यहां से। पागल हो गई है क्या। हाँ हो गई हूं पागल। और क्या है उस वीडियो में, सिर्फ डांस ही तो कर रही हूं मैं। तुम लोगों की तरह झूठ तो नहीं बोला ना, किसी को इस्तेमाल तो नहीं किया, धोखा तो नहीं दिया। नहीं तो हम क्या धोखेबाज हैं। बिल्कुल धोखेबाज हैं आप लोग। अच्छा मुझसे शादी करके अपने घर वालों के लिए नौकरानी चाहिए थी ना तुम्हें। मारिया चुप कर जाओ। अभी नहीं, मुझे बोलने दे। आइंदा अगर पलट के यहां वापस आने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब निकले यहां से। रुकिए अभी कुछ रह गया है क्या। तुम्हारे सस्ते तोहफे, अपना एड्रेस मैसेज कर देना, सारी चीजें वापस मिल जाएंगी। फौरन यहां से निकले। चल अब और सुनना है क्या, चल मोबाइल उठा।